भद्री सियासत के राजा कहे जाने वाले प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के घर के मामले में मंगलवार को फिर एक बार दिल्ली की फैमिली कोर्ट बैठी। इस कोर्ट में रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह और रघुराज की पत्नी भावनी सिंह दोनों एक साथ शामिल हुए। बता दें कि राजा भैया ने अपनी पत्नी भावनी सिंह से तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। वहीं भावनी अपने पति यानी राजा भैया पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा चुकी हैं। इसमें मारपीट से लेकर दूसरी महिलाओं से संबंध होने की बात तक कही गई है। हालांकि इन आरोपों पर राजा की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब इस मामले में भावनी सिंह ने रघुराज प्रताप सिंह से गुजारा भत्ते की मांग कर दी है। जी हाँ, भावनी सिंह ने गुजारा भत्ते के तहत अपने पति रघुराज प्रताप सिंह से 10 लाख रुपए हर महीने की मांग रखी है। इस 10 लाख रुपए की मांग के पीछे कारण भावनी ने रघुराज प्रताप सिंह के महंगे शौक और लग्जरी लाइफ को बताया है, क्योंकि भावनी सिंह के मुताबिक रघुराज प्रताप सिंह को ब्रांडेड बैग, महंगे परफ्यूम, महंगे जूते पहनना पसंद है। उनके कपड़े जयपुर से सिलते बनते हैं। भावनी सिंह ने बताया कि राजा भैया के चश्मे भी इंटरनेशनल ब्रांड के हैं। आज कोर्ट में बहू भावनी के साथ उदय प्रताप सिंह भी पहुंचे, जहां से बाहर आते हुए दोनों में से किसी ने भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है एंड कोर्ट डज नॉट वांट कि हम लोग पब्लिसिटी दें इस मामले। आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, मतलब कि मीडिया में ना आया, एप्लीकेशन लगाई गई है, मूव की गई है, अभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अमर जी, बातचीत कुछ तो कहेंगे इसमें। बता दें कि कोर्ट के सामने भावनी के वकील ने इन कैमरा सुनवाई की मांग की है, जिससे मीडिया ट्रायल से बचा जा सके। वहीं राजा भैया के वकील ने कहा कि ये लोग खुद ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि भावनी सिंह के वकील के मुताबिक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह आज अपना बयान देने के लिए पहुंचे हैं। कोर्ट में उनकी अपीयरेंस दर्ज हुई, लेकिन राजा भैया के वकील ने उदय प्रताप का बयान अभी रिकॉर्ड पर लेने से मना किया है, जिसके बाद कोर्ट में राजा भैया के वकील को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। फिलहाल इस मामले की अगली तारीख 3 नवंबर की दी गई है। ऐसे में इस मामले में आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अमरदीप कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।